हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट पॉप स्टाइल। इसे बनाना बहुत ही आसान है, मात्र 2 मिनट में बन जाएगी। इसे मैंने तरबूज, खरबूजे और कच्चा मैंगो टॉफी से बनाया है और ये काफी टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। अगर आपके पास आइसक्रीम मोड नहीं है, फिर भी इस आइसक्रीम को आप बना सकते हैं। ये इंस्टेंट पॉप्सिकल बड़े बच्चे सभी को पसंद आएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तरबूज और खरबूजे को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसका बीज निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने कच्चा मैंगो टॉफी लिया है, टॉफी निकाल कर और इस छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लेना है। अभी टॉफी को साइड में रखते हैं और यहाँ पर तरबूज और खरबूजे को जूस बना लेते हैं अलग अलग। तो पहले इसमें खरबूजे को मैं बना रही हूँ। इसमें 2 चम्मच चीनी डाला है, थोड़ी सी पानी, और उसके बाद देखिए इस तरीके का जूस बनकर रेडी हो गया। आप चाहें तो इसे छान कर ले सकते हैं या इसे ऐसे ही ले सकते हैं। मैं इसे बिना छाने ले रही हूँ क्योंकि मैंने इसे अच्छे से बीज निकाल लिया है। अगर आपके बीज रह जाता है तो आप इसे छान कर लें। अब यहाँ पर तरबूज को भी इसी तरीके से जूस बना लूँगी। तो इसमें भी 2 चम्मच चीनी और थोड़ी सी पानी डालकर और इसका जूस बना लिया है। देखिए एक आध बीज रह गया है तो उसे मैं निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे छान लें। अब यहाँ पर वो टॉफी को निकाल कर और इसे एक पन्नी में डालकर इसे क्रश कर लूँगी। तो देखिए सारे टॉफी को इस तरीके से निकाल लेना है। और ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर मैंने एक पन्नी लिया है, पन्नी में डालकर इसे एक बेलन की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, मैं इसे बेलन से ही कर लूँगी। बहुत ही इजीली यह क्रश हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है और इसमें टॉफी को डालकर और थोड़ी सी पानी डालूँगी इसमें, और उसके बाद 2 मिनट तक इसे गर्म करूँगी जब तक कि अच्छे से टॉफी घुल ना जाए। इसे गर्म करने में मात्र 2 मिनट लगता है। इसमें थोड़ा सा मैंने चीनी डाला है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा डाला है तो थोड़ा कम मीठा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 12 से 15 टॉफी लिए हैं। आप चाहे तो 20 से 25 टॉफी ले सकते हैं, तो फिर चीनी नहीं डालना पड़ेगा। अब देखिए तरबूज, खरबूजे और कच्चा मैंगो टॉफी का सारा मैंने रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़े थोड़े कलर डालूंगी। आप अगर घर के लिए बना रहे हैं तो इसका बिना कलर के भी बना सकते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए थोड़ा देखने में अच्छा लगे, इसीलिए मैंने थोड़ी सी कलर डाला है। तो इसमें मैंने ग्रीन कलर डाला है और तरबूज में रेड कलर डालूंगी और खरबूजे वाले में येलो फूड कलर। तरबूज में मैंने रेड फूड कलर डाल दिया है 1 पिंच के करीब, और 1 पिंच खरबूजे वाले में भी डाल दिया है येलो फूड कलर। एकदम हल्का सा डालना है। आप चाहें तो बिना कलर के भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन सभी को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने आइसक्रीम मोड लिया है। आप चाहे आपके पास अगर आइसक्रीम मोड नहीं है तो आप इसे किसी डिस्पोजल गिलास या कांच के गिलास या स्टील का गिलास में भी बना सकते हैं। तो दो दो आइसक्रीम मैं इसमें तीनों कलर का फिल कर दूंगी आइसक्रीम मोड में, उसके बाद जो भी बचेगा मैं गिलास में उसे बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने तीनों को फिल कर दिया है और तीनों कलर कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस इससे 2 चम्मच चीनी और थोड़ी सी पानी डालकर इसका जूस बना लेना है, उसके बाद आइसक्रीम मोड में या गिलास में डालकर और 4 से 5 घंटा फ्रिज में रख देंगे तो फिर
पॉप्सिकल बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए बाकी बचे हुए जूस को भी इस तरीके से मैं गिलास या डिस्पोजल गिलास में इस तरीके का कॉफ़ी कप या गिलास जो आता है उसमें फिल करके एल्युमिनियम फॉयल से कवर करके इसे रख दूँगी। या 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, अच्छे से जम जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से कवर कर दूंगी एल्युमिनियम फॉयल से और उसके बाद इसमें स्टिक लगा दूंगी। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा रही हूँ इसमें स्टिक लगाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से सभी में मैं स्टिक लगा दूंगी और उसके बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान था। और यहाँ पर मैं टाइगर बिस्किट से बना रही हूँ। एक टाइगर बिस्किट था उसमें मैंने दूध और थोड़ी सी घर की मलाई डालकर और इसे घोलकर और उसे भी रख दिया था, वो भी बहुत ही अच्छा बना है। तो आप चाहें तो कोई भी ओरियो बिस्किट या टाइगर बिस्किट कोई भी बिस्किट से बना सकते हैं। और देखिए अब 5 से 6 घंटा मैंने फ्रिज में रखने के बाद अब मैं निकाल रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है। अगर अच्छे से नहीं निकल रहा है तो थोड़ी देर पानी में डालिए तो उसके बाद इजीली निकल जाएंगे आइसक्रीम। टाइगर बिस्किट वाले आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी बना है, देखिए कितने अच्छे से आइसक्रीम बन गया है। तो सारे पॉप्सिकल को मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।